राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत के रूप में मिली जीत के बाद उनकी बहन उन्हें लड्डू खिलाते नजर आई। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के अंदर खुशी का माहौल है। पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे को लड्डू खिलाकर इसका जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच जश्न का माहौल दिखाई दिया और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का फूलों और मिठाई से स्वागत किया। इस फैसले से राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल होने का रास्ता भी साफ है। इस बीच कांग्रेस पार्टी की ओर से एक वीडियो ट्वीट किया गया है जिसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भाई राहुल गांधी को लड्डू खिलाते नजर आए। इसके कैप्शन में लिखा गया, असत्य पर सत्य की जीत हुई, जय कांग्रेस विजय कांग्रेस। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है, मगर जो भी हो मेरा रास्ता साफ है, मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरा दिमाग बिल्कुल साफ है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर गौतम बुद्ध का संदेश भी लिखा, तीन चीजें ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। इसी के साथ उन्होंने लिखा, माननीय उच्चतम न्यायालय को न्यायपूर्ण फैसला देने के लिए धन्यवाद, सत्यमेव जयते। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को एक अंतरिम आदेश में मोदी सरनेम के विवादित मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई थी। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के जज की ओर से सजा देने की कोई ठोस वजह नहीं बताई गई। ऐसे में आखिरी फैसला आने तक दोष सिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है। कोर्ट के इस फैसले से राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हो गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।